उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि महज कुछ ही साल के भीतर मेयर की संपत्ति कई गुना कैसे हो गई। हालांकि सुनील उनियाल गामा ने इस पर सफाई भी दी है, मगर उनकी सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रही। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति कुछ ही समय में आखिर कैसे कई गुना हो गई? क्या मेयर साहब के हाथ कोई खजाना लग गया या फिर कुछ और है? ऐसे ही कई सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने मेयर की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया। मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा की संपत्ति 2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ तक पहुँच गई। बताया जा रहा है कि मेयर साहब ने अपने और अपने परिवार वालों के नाम देहरादून में ही करोड़ों की जमीनें खरीदी। चुनाव के टाइम पे इन्होंने केवल 4 संपत्तियां बताई थी। इसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग में 1 प्रॉपर्टी अपनी छुपाई थी, जो इन्होंने सितंबर में डिक्लेयर करी थी, ली थी। और इन्होंने जो अक्टूबर में चुनाव आयोग में जो अपना हलफनामा दिया था, उसमें उस प्रॉपर्टी का हवाला छुपा दिया था। तो हमने अब चुनाव आयोग को भी लिख के दे रहे हैं कि 177 में इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। संपत्ति विवाद में घिरने के बाद मेयर साहब सफाई देने के लिए सामने आए। मेयर साहब का दावा है कि उन्होंने ये संपत्तियां अपनी मेहनत से हासिल की है। सुनील उनियाल गामा का कहना है कि उन्होंने पुरानी संपत्तियों को बेचकर नई संपत्तियां खरीदी हैं। तो 2017 से पहले जो मैं चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियाँ मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ दी। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे, तो मेरे तो बढ़ेंगे, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है, मेरे पहले से ही संपत्तियाँ आई हैं। मेयर साहब की मुश्किल कांग्रेस भी बढ़ा रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि मेयर साहब को अपने परिवार के नाम पर खरीदी संपत्तियों का ब्यौरा देना चाहिए। कांग्रेस की ये भी मांग है कि जांच पूरी होने तक सुनील उनियाल गामा से इस्तीफा लेना चाहिए। जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई है, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के जो मुख्यालय है, वहाँ के जो मेयर है, उनके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस के बाद अपने पक्ष में। संपत्ति विवाद के बाद मेयर सुनील उनियाल गामा विपक्ष के निशाने पर। कांग्रेस मेयर के बहाने भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आरटीआई लगाने वाले शख्स विकेश नेगी ने मामले की जांच विजिलेंस से कराने की मांग की। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।